साल 2024 का आगाज हो गया है, हर तरफ नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं नए साल पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर कोई नए साल पर भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहा है, बल्कि नए साल पर मंदिरों और गुरुद्वारों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब की तस्वीरें भी सामने आई, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। नए साल पर भीड़ इतनी थी कि गोल्डन टेंपल में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गुरुद्वारे के आसपास सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से गोल्डन टेंपल में नए साल की रात से जनसैलाब उमड़ पड़ा। दावा किया जा रहा है कि नए साल पर करीब 2.5 लाख श्रद्धालु श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे, और तो और 2.5 लाख से ज्यादा संगत के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई है। SGPC की तरफ से श्रद्धालु के ठहरने के पूरे प्रबंध और लंगर की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने बताया कि श्री हरमिंदर साहिब के अधीन आते समस्त 7 यात्री निवासों के 750 से ज्यादा कमरे और हॉल फुल हो चुके हैं। श्री हरमिंदर साहिब में पीछे 2 दिन से ही संगत इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। परिक्रमा के लिए श्री हरमिंदर साहिब के चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा रहा है। श्रद्धालुओं ने भी श्री हरमिंदर साहिब के सरोवर में डुबकी लगाकर स्नान किया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बादल ने पत्नी सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ नए साल की शुरुआत पर स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा SAD सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, सभी को नए साल 2024 की शुभकामनाएं, भगवान हम सभी को आशीर्वाद दे। 2024 नवे वर्ष दिया बहुत बहुत बधाइयां देनी आ। गुरु रामदास पातशाह जी के चरणा से अरदास कर दिया कि नवा साल खुशियां दे खेड़े लेके आए, नाम सिमरन सेवा संगत दी दात नाल साडे सारयां दी झोली गुरु साहब बख्शन, साडे पंजाब नूं चढ़दी कला से रखन, ते समूह पंथ नूं भाईचारे नूं बहुत सारी खुशियां रहमतां नाल साडियां झोलियां गुरु साहब ने वाचन। वहीं आपको बता दें, गोल्डन टेंपल के अंदर आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों ने नजर रखी हुई है, बल्कि कड़ी जांच के बाद ही लोगों को गोल्डन टेंपल के अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ गोल्डन टेंपल के आसपास भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें, गोल्डन टेंपल के अलावा लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग, राम तीर्थ मंदिर, बागा बॉर्डर, पार्टीशन म्यूजियम, सिद्ध शक्ति पीठ, लाल माता मंदिर, इस्कॉन टेंपल और दुग्रियाणा मंदिर, किला गोविंदगढ़, साड्डा पिंड, वार मेमोरियल जैसे स्थलों को देखने के लिए अमृतसर पहुंचते हैं, जिसके चलते यहां लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि गोल्डन टेंपल प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया।